तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डू ओवर डायमेंशियल कॉन्क्यू द ड्रैगन इंपीरियर एपिसोड 8 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, सिंपली आपको उसे क्लिक करना है। तो एपिसोड 8 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो हेडिस होते हैं या फिर मैजिस्ट्री होते हैं वो लंच दे रहे होते हैं जिल को और कह रहे होते हैं कि तुम आराम से चले जाना। एंड हम देखते हैं कि जिल जाते हुए अपने सेवक यानी कि जैक को कहती है कि मेरे लंच में आज डिजर्ट है, मैं उसे खाऊंगी। तभी जैक कहता है कि हमें आराम से जल्दी से जाना होगा क्योंकि हम ड्रैगन कनाइट के अब मेंबर्स बन चुके हैं, हमें यहाँ पे खड़े नहीं रहना चाहिए वरना हम लेट हो जाएंगे। एंड देन वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि एक अंकल जिल को एक टमाटर देते हैं एंड कहते हैं कि तुम्हें पता है आज तुम्हारा ड्रैगन इंट्यूशन है तो अपना बेस्ट देना। देन वो कहते हैं हाँ ठीक है हम अपना बेस्ट देंगे। देन वो लोग जाते हैं ड्रैगन इन्विटेशन देने के लिए। हम देते हैं देखते हैं कि जो रेव एम्पायर की प्रिंसेस होती है वहाँ पे होती है और कहती है कि आज तुम लोगों का इंट्रिकेटिंग है ड्रैगन्स के साथ, तो तुम्हें सिंपली उनके साथ बातचीत करनी है, फाइट वाइट नहीं करनी। एंड उसे कह सकते हैं अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है क्योंकि अगर तुम ड्रैगन को अट्रैक्ट कर लेते हो तो तुम्हारा जो लोअर रैंक है उसे ऊंचा रैंक कर दिया जाएगा एंड तुम बड़े रैंक पे पहुंच जाओगे। एंड वो कहती है कि देखो ये है, ये जो ड्रैगन्स होते हैं ये इनके कलर्स के रूप में पहचाने जाते हैं। जो आर्गेंट और ब्लैक रंग के ड्रैगन्स होते हैं सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, वही एश और ब्राउन रंग के ड्रैगन्स जो होते हैं वो थोड़े कमजोर होते हैं। एंड वो कहती है कि साथ ही में जो ड्रैगन गोल्डन आई का होता है और काले कलर का होता है सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है ड्रैगन। बट तभी हम देखते हैं कि जो जिल होती है वो सोच रही होती है कि क्या सच में जो रेव है वो काफी ज्यादा ताकतवर ड्रैगन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो व्हाइट और ब्लैक उनकी आंखें हैं, क्योंकि उस तरह के ड्रैगन्स भी काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो रेव एम्पायर की प्रिंसेस होती है वो कहती है कि जो ब्लैक ड्रैगन्स है वो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, तो जैसे व्हाइट ड्रैगन्स गॉड के अंश होते हैं वैसे ही जो ब्लैक ड्रैगन्स होते हैं वो किंग एंड क्वींस होते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं क्यों कहती है जो प्रिंसेस होती है कि आज तुम्हारा इन ड्रैगन्स के साथ अट्रैक्शन का काम है, सिंपली तुम उनके साथ कह सकते हैं बातचीत करोगे तो तुम्हें इन्हें अट्रैक्ट करना है। वो कहती है कि ये देखो ये मेरा ड्रैगन है, क्योंकि अगर जब तुम इन ड्रैगन्स को अपने अपने साथ मिला लोगी तभी तुम एक ड्रैगन कनाइट बन पाओगी, क्योंकि ड्रैगन कनाइट बनने के लिए ड्रैगन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हम देखते हैं क्यों कहती है कि सुनो ये मेरा ड्रैगन है रोज, तुम्हें इसके साथ इंटीग्रेट करना है तो तुम्हें एक एक करके यहाँ पे आना है एंड इसके साथ ग्रीटिंग करनी है। एंड हम देखते हैं कि सबसे पहले जाता है जैक एंड वो ड्रैगन के सांस से उछल के पीछे गिर जाता है। इसके बाद जो रेव एम्पायर की प्रिंसेस होती है उसे बताती है कि जो ये ड्रैगन है इसने तुम्हें कहा है कि बेटर लाइफ नेक्स्ट टाइम, मतलब अगली बार कोशिश करना, इस बार तुम नहीं कर पाए, बट इसने तुम्हें ये नहीं कहा कि तुम दोबारा कोशिश मत करना, तुम दोबारा कोशिश कर सकते हो, मतलब इसने तुम्हें पूरी तरीके से इग्नोर नहीं किया। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि कई सारे लोग आते हैं बट कोई भी उसके साथ अच्छे से ग्रीटिंग नहीं कर पाता, बट एट द लीस्ट लास्ट में जो जिल होती है वो आती है एंड वो प्रैक्टिस कोशिश करती है उसके साथ अट्रैक्शन करने की। बट अनफॉर्चुनेटली जो ड्रैगन होता है उसको पता नहीं क्या हो जाता है एंड वो जिल को एक बहुत तेज पंजा मारता है जिससे वो घायल हो जाती है। बट तभी प्रिंसेस कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो रोज, अपने ड्रैगन को कहती है। तभी हम देखते हैं कि जैक वहां पे आता है एंड उसे लेकर पीछे की तरफ भाग जाता है एंड कहता है तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पे जिल अपने घर आती है वापस, मैजिस्ट्री उससे कहते हैं कि क्या हुआ। देनो कहती है कुछ नहीं मैं अपने रूम में जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए एंड वो अपने रूम में चली जाती है एंड कहती है कि आप आखिर मैं कितनी बड़ी यूजलेस हूँ, मैं एक ड्रैगन को कंट्रोल नहीं कर सकती, फिर आखिर मैं ड्रैगन कनेक्ट कैसे बनूंगी। एंड वो कहती है कि ये सब मेरी ही गलती है, आखिर मैं अब लॉर्ड रेव को भी नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास अब कोई भी मैजिक नहीं बचा है। एंड हम देखते हैं कि जो मैजिस्ट्री होते हैं वो अंदर आते हैं और कहते हैं कि मुझे जैक ने सब कुछ बता दिया है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। एंड वो कहते हैं कि मैं अब इसके बारे में और बात नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा एंड उस ड्रैगन को मार डालूंगा। ये सुनकर जो जिल होती है कहती है कि नहीं ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, उसने मुझे इतना भी ज्यादा हर्ट नहीं किया। बट वो कहता है कि नहीं उसने आखिर तुम्हें ऐसा करने की कोशिश भी कैसे की, तुम्हें हर्ट करने की कोशिश भी कैसे की, मैं उसको जान से मार दूंगा। एंड वो सुनकर वो कहती है जिल की नहीं आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तेन वो कहता है कि नहीं मैं उसको मार के उसके डिशेज बना के खा जाऊंगा। ये सुनकर जिल कहती है क्या सच में ड्रैगन की भी डिशेज बन सकती है एंड हम उन्हें खा सकते हैं। देन वो कहता है कि हाँ ड्रैगन की काफी सारी डिशेज बन सकती है एंड हम उसे खा सकते हैं। देन हम देखते हैं कि जो जिल होती है कहती है कि नहीं बस मेरे को कुछ छोटे मोटे स्क्रैचेस ही आए हैं, आपको उससे लड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप उससे लड़ेंगे तो आपको जो रेव है ड्रैगन लॉर्ड उनके साथ भी आपकी दुश्मनी हो जाएगी। देन ये सुनकर वो कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर मेरी दुल्हन को छूने की कोशिश भी कैसे की उसने, मैं उसको फूड बना के खा जाऊंगा। देन वो कहती है नहीं आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है एंड वो उसको आई लव यू कहती है, जिससे होता ही है कि जो मैजिस्ट्री होते हैं पूरी तरीके से लाल हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। एंड वो कहता है कि आई नो, जिल कहती है कि मुझे पता है आपको कैसे मनाना है। एंड देन जिल जो होती है उससे कहती है कि मेरा गोल भी अब यही है कि मैं ड्रैगन्स को कंट्रोल कर सकूं। उसके बाद उसे कहती है
मैजिस्ट्री से कि मैं चाहती हूँ एक गोल्डन आई ब्लैक ड्रैगन था। तो वो कहती है कि एक गोल्डन आई ब्लैक ड्रैगन, तो मैंने भी आज तक ऐसा कोई ड्रैगन नहीं देखा। तभी सुनकर वो कहती है जिल कि मैं ऐसा ड्रैगन चाहती हूँ क्योंकि आपका कलर बिल्कुल वैसा ही है मैजिस्ट्री, मैं चाहती हूँ कि मैं उसके ऊपर बैठ के राइड करूँ। ये सुनकर मैजिस्ट्री पूरी तरीके से कह सकते हैं शर्मा जाते हैं, एंड वो सो रहे अपने कमरे में सोकर सोच रहे होते जिल के बारे में कि आखिर उसको अगर उस तरह का ड्रैगन मिल जाएगा तो आखिर क्या करेगी। उसके बाद हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पे जिल जाती है दोबारा से अपनी प्रैक्टिस के लिए उसके नाइट में सॉरी कैपिटल में। बट वो देखते हैं कि अब क्या मैं उसको पेट्रोलिंग के लिए भेजा जाता है। देन वो कहते हैं क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं कल ड्रैगन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाई। तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें सिंपली जाना है एंड अपने बैच से अपनी आइडेंटिटी साबित करनी है। एंड वो जाती है पेट्रोलिंग के लिए, तभी वो देखती है सामने एक लड़का खड़ा होता है एंड वो कहती है कि ये तो वही लड़का है जिसे मैंने सपनों में देखा था। वो लड़का कहता है कि मेरा नाम लॉरेंस है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तभी वो देखती है कि उसने जो सपने में देखा था लड़का वो बिल्कुल ऐसा ही था और कह रहा था कि हमें अब उस कंपनी पर अटैक करने के लिए और भी लोगों की जरूरत होगी। एंड वो जो लड़का होता है वो जो है वो कैंप बनाने में काफी ज्यादा अच्छा होता है। देन वो देखते हैं कि वो लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं एंड बातचीत कर रहे होते हैं लॉर्ड सॉरी रिव एम्पायर के बारे में। एंड वो कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम कहीं सुना है जिल, मुझे लगता है कि तुम किसी बड़े कैपिटल की डॉटर हो। तो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये सब तो बस ऐसी अफवाहें हैं। देन हम देखते हैं कि वो लोग बात कर रहे होते हैं रिव एम्पायर के बारे में, जहाँ पे वो कहता है कि हमारे जैसे लोग जिन लोगों को ड्रैगन्स के साथ अच्छे से कह सकते हैं इंटरेक्ट करना नहीं आता है उन लोगों को नीचे ग्राउंड पे भेज दिया जाता है एंड ताकि हम जो ड्रैगन गॉड है रिव उनकी प्रोटेक्शन कर सके। एंड वो कहती है तो मतलब हमारी ये सब जो है कंट्री के लिए हो रहा है। देन वो कहता है हाँ ऐसा ही समझ लो तुम। एंड उसके बाद वो कहता है कि जैसे जो ड्रैगन के नाइट्स होते हैं वो ऊपर से देश की रक्षा करते हैं, वैसे हम जैसे लोग नीचे से बैकग्राउंड से इस देश की रक्षा करते हैं। एंड उसके बाद ये सुनकर वो कहती है कि तुम्हें ये सब बातें जो है वो कैपिटल को बतानी चाहिए, इससे तुम्हारा हो सकता है प्रमोशन होता है हो जाए। देन वो कहती है कहता है कि नहीं बस ये तो ऐसी बातें हैं, इतना कुछ नहीं है इसमें इंपॉर्टेंट, ये बस पर्सनल थ्योरीज है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऊपर से एक आदमी आता है सॉरी ऊपर से आदमी आने से पहले जो लॉरेंस होता है उससे कहता है जिल से कि मैंने तुम्हारे बारे में एक अफवाह सुनी है, मैं क्या तुम्हें बताऊं। बट वो कहती है कि नहीं मुझे कोई अफवाह नहीं सुननी क्योंकि मैं जानती हूँ कि सारी अफवाहें गलत होती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि तभी ऊपर से एक आदमी आता है ड्रैगन पे बैठ के एंड वो नीचे उतरता है एंड कहता है कि मुझे जो है वो प्रिंसेस ने भेजा है एक मैसेज लेकर तुम्हारे पास। एंड वो कहता है कि मैं जो हूँ वो वेस्टेड हूँ जो कि प्रिंस एम्पायर का सेकेंड रेव एम्पायर का सेकंड प्रिंस हूँ। एंड वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। एंड हम देखते हैं कि वो लोग जाते हैं प्रिंसेस के हाउस में। प्रिंसेस जो है लॉरेंस को जाने के लिए कहती है एंड कहती है जिल को कि तुम यहाँ पे रुको मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अपने भाई पर प्रिंसेस पहले अपने भाई से कहती है कि कितना ज्यादा अनोइंग है। तो वो कहता है कि आखिर तुमने क्या कहा, तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मेरी ओल्डर सिस्टर हो। एंड देन हम देखते हैं कि जो प्रिंस होता है कहता है कि यहाँ की चाय हमेशा ही बेकार होती है। एंड उसके बाद वो बात करने लगते हैं और ड्रैगन के नाइट के बारे में और कहते हैं कि तुम्हें आखिर इस ड्रैगन के नाइट का हिस्सा किसने बना दिया, उसकी प्रिंसेस कहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग बात कर रहे होते हैं, जो प्रिंसेस होती है कहती है कि तुम्हें देख रहे हो यहाँ पर हमारी एक सेवक खड़ी है। डैन वो कहता है कोई बात नहीं, अगर इसने हमारी बातें बाहर फैलाई तो इसका सर काट दिया जाएगा। एंड वो लोग बात कर रहे होते हैं अपने अंकल के बारे में कि उनके अंकल जो है उन्होंने अपने आप को इम्पीरियल घोषित कर दिया है। एंड वो लोग बात कर रहे होते हैं तो जो प्रिंसेस होती हैं वो उससे पूछती हैं प्रिंस से कि आखिर तुम्हें क्या लगता है आखिर हैवी स्वॉर्ड किसके पास है। तो ये सुनकर वो कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा अंकल है उन्हीं के पास हैवी स्वॉर्ड है एंड हैडीज के पास नहीं है। देन ये सुनकर प्रिंसेस कहती है कि मुझे लगता है तुमने अपना मन पहले से ही बना रखा है ये सब चीजों का। बट तभी प्रिंस कहता है हाँ ये बात सच है, बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि जो हैडीज है वो असली ड्रैगन इंपीरियर है ना कि हमारे अंकल। ये सुनकर वो कहती है जो प्रिंसेस होती है कि हाँ ये बात तो सच कहा तुमने, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी बातें सुनकर जिल कहती है कि मुझे लगता है ये लोग काफी ज्यादा अच्छे लोग हैं, अगर हम इनसे अपनी बातें शेयर करेंगे तो ये हमारी मदद कर सकते हैं, हमारी साइड रहेंगे ये लोग। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो लोग बात कर रहे होते हैं कि जो हेडीज है उस मैंने सुना कि उसने एक लड़की से शादी कर ली है। तभी प्रिंसेस कहती है कि मुझे तो लगता है कि ये केवल अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड उसके बाद वो अपने कुछ पुरानी बातों के बारे में बात करने लगती है, अपने पास्ट के बारे में, अपनी माँ के बारे में। एंड वो कहती है कि हमें नहीं लगता कि हम दोनों के देश जो हैडीज है उसको कभी भी अपनाएगा, बल्कि वही एक असली ड्रैगन इंपीरियर है। एंड वो कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उसके साथ कभी भी फाइट नहीं करूंगी। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस होती है वो जिल से बात करती है यस्टरडे के बारे में, आखिर क्या हुआ था। तो एंड पहले वो उससे सॉरी कहती है कि तुम्हारी वजह मेरी वजह से तुम्हें इतनी सारी चोट लगी, इसके लिए मुझे माफ कर देना। बट तभी जो जिल होती है कहती है कि ये सब बस इसलिए था क्योंकि मैं उसे इंटरेक्ट नहीं कर पाई। देन वो कहती है कि नहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसे लगा कि तुम बिल्कुल उसके इक्वल हो, इसीलिए उसने तुम्हारे ऊपर हमला किया। बट कोई नहीं,
इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पता चल ही जाएगा। एंड हम तभी देखते हैं कि जो प्रिंस होता है कहता है कि इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत नहीं है, तुम इसको मेरे हवाले कर दो। तभी प्रिंस उसे कहती है, प्रिंसेस उसे कहती है कि ये मेरी कनाइट है, फिर मैं इसे तुम्हें कैसे दे सकती हूँ। देन वो बार बार गुजारिश करता है इससे, जो प्रिंसेस होती है वो मान जाती है एंड उससे वो दे देती है। एंड उसके बाद वो उसको लेकर चला जाता है अपने अपने पास। एंड हम देखते हैं वो बीच में जाते हुए बातें कर रहे होते हैं कि जो कैप्टन है यहाँ पे, कैपिटल है यहाँ पे, काफी सारी चीजें सीखने के लिए है, तो तुम जो चाहो सीख सकते हो। तभी वो वहाँ पे एक खड़े लोगों में से कहता है कि तुम्हारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है अच्छी सी, तुम जो चाहो वो पूछ सकते हो मुझसे। तभी जो जैक होता है, जो जिल का सेवक होता है, उससे पूछ बोलता है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ये एंड वो कहता है कि ये जो लड़की है जो आपके साथ है, ये बहुत ही ज्यादा बेकार है चाय बनाने में और साथ ही घर के काम करने में, बट हाँ एक बात अच्छी है कि ये अगर आप उसको सॉर्ड दे देंगे तो ये उसके साथ काफी अच्छी खासी लड़ाइयां कर सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग जाते हैं ड्रैगन के पास। एंड जो प्रिंस होता है वो कहता है जिल को कि तुम इसके साथ इंटरेक्ट करो, इसके साथ अपना ग्रीटिंग करो। देन ये कहकर जैसे ही वो शुरू करती है अपनी ग्रीटिंग उसके साथ, बट हम देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है दूर उड़ के चला जाता है। एंड जिल उसे कहती है प्रिंस को कि मुझे लगता है इसने मुझे इग्नोर कर दिया। तभी वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये चीजें मेरे साथ पहले भी हो चुकी है, जब इस ड्रैगन ने हैडीज को देखा था तभी ऐसा हुआ था। एंड वो कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो, तुम आखिर क्या छुपा रही हो, सच बताओ। तभी वो दोनों भागने लगते हैं चिल्लाते हुए। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो जिल होती है वो पहुंच जाती है अपने घर शाम को। एंड जो मैजिस्ट्री होते हैं वो देख के कहते हैं मुझे लगता है कि आज तुम्हारा दिन काफी ज्यादा बढ़ा गया है। तीनों कहती है कि हाँ काफी ज्यादा बड़ा दिन था। एंड उसके बाद वो कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें ट्राई करते रहना चाहिए। हेडीज ऐसा कहता है। ये सुनकर जिल कहती है कि हाँ बिल्कुल। एंड वो कहती है कि चलो अब हम खाना बनाते हैं। एंड वो कहती है कि तुम्हें जैक के लिए खाना नहीं बनाना है, उसे आज खाना मैं दूंगी, क्योंकि उसने मेरे लिए कुछ बहुत सारी उल्टी सीधी बातें की। एंड हम देखते हैं कि वो लोग एक दूसरे के गले लगते हैं। एंड वो कहती है जिल कि मैं हमेशा ऐसे ही घड़ाना चाहती हूँ आपके लिए मैजिस्ट्री, मुझे लगता है कि ऐसा ही होता है जब दो लोग एक दूसरे के प्यार में होते हैं। ये सुनकर जो मैजिस्ट्री होते हैं एकदम ही चौंक जाते हैं। एंड वो कहते हैं कि हाँ मैं भी तुम्हें काफी ज्यादा मिस कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि पीछे से जो प्रिंस होता है वो छुप के वो आता है एंड कहता है कि मैंने तुम, मुझे पता ही था कि तुम यहीं पे कहीं पे पास में हो, एंड मुझे नहीं पता था तुम इतने पास में, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो कहता है कि मैं यहाँ पे सब्जी उगा रहा हूँ, हैडीज कहता है। ये सुनकर वो कहता है कि क्या हमारा इंपीरियर यहाँ पे इतनी इमरजेंसी में सब्जियां उगा रहा है, आखिर तुम इतने बड़े इडियट कैसे हो सकते हो, चलो तुम मेरे साथ, हम अपनी बहन से बात करेंगे इस बारे में। देन वो कहता है कि नहीं मुझे यहाँ से नहीं जाना है। देन हम देखते हैं कि जैक वहाँ पे आता है एंड वो कहता है क्या हो रहा है। देन वो कहता है कि ये उससे यहाँ पे आया है मुझे फॉलो करते हुए, जिल उसे बताती है। एंड ये मैजिस्ट्री को यहाँ से ले जाना चाहता है। देन वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैजिस्ट्री यहाँ से जाएंगे क्योंकि उनको ये लाइफ काफी ज्यादा पसंद आ गई है। एंड मैजिस्ट्री भी कहते हैं कि हाँ मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, मैं यहाँ पे इंतजार करना चाहता हूँ अपनी ब्राइड के लिए एंड उससे खाना बनाना के देना चाहता हूँ। देन ये सुनकर वो कहते हैं कि क्या तुम इडियट हो चुके हो। एंड देन हम देखते हैं कि जो हेडिस होते हैं वो कहता है कि नहीं मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा, मुझे कैपिटल नहीं यहाँ पे भेज दिया था, तो आखिर मैं अब दोबारा से उस जगह पे क्यों जाऊँ। देन हम तभी देखते हैं कि वो बिल्कुल ही मना कर देता है हेडिस जाने के लिए। देन जो जिल होती है वो कहती है कि अब मुझे लगता है मुझे इन्हें फोर्स करना पड़ेगा। एंड वो दुखी हुए कहती है कि मैं ही अब इन्हें फोर्स करूंगी, मुझे लगता है तभी ये यहाँ से जाएंगे कैपिटल। एंड यहीं पे जो एपिसोड 8 है वो खत्म जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।